नमस्कार, जनप्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नोएडा के सेक्टर 59 में भाजपा की ओर से विशाल सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नोएडा विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। उन्होंने विवेक कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह, प्रवमीत एवं जमीत के साथ ही करीब 70 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश कैप्टन विकास गुप्ता ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश नवाब सिंह नागर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रकाश अस्पताल के CMD डॉक्टर BS चौहान मौजूद रहे। मंच का संचालन पंजाब विकास मंच के अध्यक्ष एवं राजनीतिक विश्लेषक एवं समाज सेवी दीपक बिग ने की। इस अवसर पर विधायक पंकज सिंह ने कहा कि 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में देश के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इस बार भी युवाओं में उसी तरह का जोश और क्रेज दिखाई दे रहा है। आदरणीय डॉक्टर BS चौहान साहब, विवेक जी, आलोक जी और आपके साथ सभी जो यहाँ आज ज्वाइन किया है आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी में करता हूँ। वैसे 2014 का इलेक्शन मैंने देखा है और 2014 के इलेक्शन में भी जब मोदी जी इतने बड़े मार्जिन से जब पूरे देश में इलेक्शन जीते थे उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने भी उसमें 14 में भी जो लोग वोट देने योग्य हो गए आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया होगा। लेकिन आज फॉर्मली अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप के सदस्य के रूप में भी आप आज जुड़ जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी आज आपको पता नहीं इसकी जानकारी है कि नहीं, लेकिन इस विश्व में अगर सिर्फ मेंबरशिप अगर देखा जाए तो मेंबर्स के नंबर में भारतीय जनता पार्टी इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन गई और लगभग 11 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर 11 अप्रैल को मतदान आप सब लोग वोट करिए। नवाब सिंह नागर ने कहा, भाई विवेक कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह के साथ ही जिन लोगों ने आज हमारे परिवार को ज्वाइन किया है उन्हें तहे दिल से बधाई देते हैं। जैसे हमारे विधायक बहुत युवा हैं उसी तरह एक युवा टीम आज BJP में सम्मिलित हुई है। बिना युवाओं के देश मजबूत नहीं हो सकता है। इन्होंने अभी अभी हमारे परिवार को ज्वाइन किया है, ऐसे भाई विवेक जी, आलोक जी हमारे सामने हमारी पार्टी के जो प्रमुख लोग बैठे हैं संचालन कर रहे हैं, हमारे दीपक बिग जी, भाई हेमंत जी, भाई बजपाल चौहान जी, अमित त्यागी जी, अशोक चौहान जी, सुनील नागर जी, अमित जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बहनों, भाइयों, सबसे पहले मैं आलोक जी, विवेक जी और पूरी टीम को जो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे हमारे विधायक बहुत युवा हैं इसी प्रकार की युवा टीम ये आज BJP में सम्मिलित हुई है और वास्तव में युवाओं का ही ये जमाना है। मोदी जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो सारा युवाओं के ऊपर निर्भर है और युवाओं की ताकत को वो अधिकांश समय पर वर्णन भी करते हैं। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि परिवार निरंतर बड़ा होता जा रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव से भी अधिक इस बार युवाओं में उत्साह है। परिवार निरंतर बड़ा होता चला जा रहा है तो पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक भाषा, एक लय और एक सूत्र में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो GST का विषय हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा का विषय हो, इन सब चीजों में सरकार ने बहुत काम किया। नरेंद्र मोदी जी से अगर मैं लिस्ट लंबी गिनाऊंगा तो आप सब लोगों को सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, इतने क्षेत्रों में काम किया। डॉक्टर BS चौहान ने कहा कि जिस समय नोएडा में भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं था उस समय नवाब सिंह नागर ने यहाँ भाजपा की अलग जगाई थी। नवाब सिंह नागर जी इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि, बहुत जिस समय भाजपा का नाम लेने वाला इस जगह कोई नहीं होता था उस समय उन्होंने भाजपा की अलग जगाई। हमारे दो बार विधायक बने, मंत्री बने,
लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है कि वो बहुत सज्जन, ईमानदार, बहुत अच्छी छवि के, और मैं भी नोएडा में करीब 33 साल से हूँ, ऐसा कभी कोई अवसर हमें नहीं लगा कि उन्होंने अपेक्षाओं से कम हो रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।